नमस्कार, मैं हूँ स्वाति रायना। अभी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि कई लोगों के लिए अपने फाइनेंसेस मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे टाइम पर जब कई लोगों की सैलरी, जिससे रेगुलर महीने का खर्च चलता है, महीने की देनदारी रेगुलर इनकम से पूरी की जाती है, वो या तो कई जगह पर या कई लोगों के साथ उन्हें मिल नहीं रही है, या तो सैलरी कट हो रही है, कई जगहों पर तो एम्प्लॉयज़ को लेऑफ्स का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मुश्किल ये है कि महीने का खर्च पूरा कैसे किया जाए, महीने की देनदारी कैसे दी जाए, और इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपकी रेगुलर इनकम काम आती है। अब इस मुश्किल घड़ी में क्या किया जाए? दरअसल इस मुश्किल घड़ी में आपका निवेश आपके काम आ सकता है। आज के इस वीडियो में हम निवेश के ऐसे विकल्प के बारे में जानेंगे जो आपको रेगुलर इनकम दे सकते हैं। मतलब ऐसे समय में जब रेगुलर इनकम या तो रुक रही है या तो नहीं है, तो कहाँ आपको रेगुलर इनकम मिल सकती है। इसी में आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की और म्यूचुअल फंड की एक स्कीम जिसे कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, यानी SWP। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की। ये एक सरकारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स है जो निवेशकों को हर महीने एक तय रकम कमाई का मौका देती है, मतलब रेगुलर इनकम का जरिया। इस स्कीम के लिए आपको जो पोस्ट ऑफिस है जहां से आपको रेगुलर इनकम मिलेगी, वहां पर आपका अकाउंट होना जरूरी है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम 5 साल के लिए होती है, जिसमें आपको एक मुश्त यानी लमसम निवेश करना होता है। कम से कम आप इसमें 1,000 रुपये का भी निवेश कर सकते हैं, और ये मैक्सिमम जो निवेश की सीमा है वो 4.5 लाख रुपये तक जाती है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का फायदा ये है कि आप तो उसमें मतलब एज इंडिविजुअल 4.5 लाख रुपये मैक्सिमम निवेश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें जॉइंट अकाउंट खोलते हैं यानी पति पत्नी के साथ या पत्नी पति के साथ, तो पति और पत्नी दोनों इस अकाउंट में 4.5 लाख और 4.5 लाख, मतलब कुल मिलाकर 9 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट है इस पर्टिकुलर स्कीम का। हालांकि इस जॉइंट अकाउंट में अगर मानिए पति पत्नी और तीसरा एक अडल्ट भी है, वो भी अगर निवेश करता है, तब भी मैक्सिमम लिमिट जो होगी वो 9 लाख रुपये की ही होगी। लेकिन पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम खाते में जब आप रकम डालेंगे तो आपको मंथली के हिसाब से रेगुलर इनकम मिलेगी। 6.5% फिलहाल ब्याज है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का। जो ब्याज जो आपको इस पर आपके निवेश पर जो ब्याज मिलेगा वो 12 हिस्सों में बढ़ जाएगा, मतलब हर महीने के हिसाब से आपको ये मंथली इनकम मिलती रहेगी। अगर मानिए आपने 5 साल तक के लिए इसमें निवेश किया है, तो साल के हिसाब से 1 साल में अगर मानिए आपने 4.5 लाख रुपये निवेश किए, अब 5 साल का आपका निवेश का पीरियड खत्म हो गया, आप इसे 5 साल और बढ़ा भी सकते हैं। पर इसमें एक क्लॉज ये है कि आप 5 साल से पहले अगर अपना निवेश निकालने की कोशिश करते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर 1 से 3 साल के बीच में आप अपना पैसा निकालते हैं तो आपका जो निवेश किया हुआ पैसा है उसमें लगभग 2% कट के आपको वापस मिल जाएगा। अगर 5 साल से पहले यानी 3 से 5 साल के बीच में पैसे निकालते हैं तो आपने जितनी रकम निवेश की है उसका 1% काट दिया जाएगा, मतलब प्री मच्योर विड्रॉल 5 साल से पहले पेनल्टी आपको लगती है इसमें। पर एक बात जो आपको ध्यान देनी होगी वो कि ये निवेश के बदले आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जो आपको रेगुलर इनकम मिल रही है, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये शायद एक डाउनसाइड है इस पर्टिकुलर स्कीम का। अब जो लोग थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। जैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, आप किश्तों में SIP के जरिए रकम जमा करते हैं, वैसे ही SWP आप इसका उल्टा मान सकते हैं। एक मुश्त रकम जमा करते हैं, फिर सिस्टमैटिकली उसे विड्रॉ करते हैं। अब चाहे तो आप इसे मंथली विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हर 3 महीने में विड्रॉ कर सकते हैं, 6 महीने में भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, और साल में भी विड्रॉ कर सकते हैं। आपका जो टोटल निवेश है उसका आप एक निश्चित रकम निकाल सकते हैं जो आप पहले से सेट कर देंगे अमाउंट, और SWP जो है या तो आप SWP का एक फ़ंड ही लें, या फिर अगर आपके पास कोई SIP है जिसमें आप निवेश कर रहे हैं उसको आप SWP में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। मतलब बहुत आसानी से ऑनलाइन या किसी भी ऐप में ऑप्शन होता है स्विच करने का, SIP से SWP स्विच करने का रेगुलर इनकम के लिए।
खासतौर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए SWP बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। रिटायरमेंट के बाद सीनियर सिटीजन्स को रेगुलर इनकम की ज़रूरत होती है, तो अपनी मंथली खर्चे को पूरा करने के लिए कोई भी सीनियर सिटीजन एक मानिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में निवेश करें और SWP के जरिए रेगुलर इनकम वो पा सकते हैं। SWP में हमने देखा है कि लगभग हिस्टोरिकली 9% या फिर उससे कई जगहों से ज़्यादा भी रिटर्न मिला है, जो कि पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम से ज़्यादा है। तो इस मामले में डेफिनेटली SWP थम्स अप ज़रूर है। लेकिन हाँ, ये एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट है और इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के टैक्स के नियम लगते हैं। तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम रेगुलर जो कि इनकम का जरिया है, वहीं हमने जो SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की बात की, वो भी रेगुलर इनकम का जरिया है। इन दोनों की अपनी खासियत है, आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से निवेश करना है। अगर आप एक कंजर्वेटिव निवेशक है, आप चाहते हैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, तो आप एक स्मॉल सेविंग स्कीम जैसे पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में रेगुलर इनकम पा सकते हैं उसमें निवेश करके, या फिर अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं थोड़े अच्छे रिटर्न के साथ, तो फिर आपके लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आज हमने रेगुलर इनकम के विकल्पों पर बात की है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।